रायपुर से अहम खबर, जहां पूर्व विधायक देवव्रत सिंह की पत्नी विभा सिंह ने एक वीडियो जारी किया है। भूपेश बघेल के खिलाफ वोट देने की जनता से अपील उन्होंने की है। भूपेश बघेल पर लगाया राज परिवार के खिलाफ साजिश का आरोप। देवव्रत सिंह की पहली पत्नी पद्मा सिंह पर भी निशाना साधा गया है। अहम खबर आपको बता दें, पूर्व विधायक देवव्रत सिंह और ये पूरा मामला देखिए किस तरह से वीडियो सामने आया है। पुरानी हमारा रिश्ता था कांग्रेस के साथ पुराने कई जेनरेशन से, फिर भी राजा साहब की इज्जत नहीं रखी गई, उनको बाहर आना पड़ा पार्टी से। वो खून के आंसू रोते थे, वो मैंने देखा है वो किस तरह से परेशान थे कांग्रेस के साथ में। और आज उनके खत्म होने के बाद, उनके नहीं रहने के बाद, कभी उनकी मूर्ति बना करके उसके थ्रू, कभी उनको उनके उनका नाम, उनकी जो औरत पद्मा 11 करोड़ लेकर के जा चुकी, उस क्षेत्र को छोड़ दिया उसने 11 करोड़ के लिए, उसने बच्चों को छोड़ दिया, उसने राजा देवव्रत सिंह जी को छोड़ दिया, उस औरत को ला करके बार बार भूपेश बघेल जी और उनकी यशोदा वर्मा जी जो है वो ये बता करके कि प्रेजेंट वाइफ पद्मा है कह के वोट कलेक्ट कर रहे हैं, जिसका मेरे पास वीडियो भी है, सबूत भी है, और वोट कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह से मेरे राजनांदगांव के क्षेत्र के लोगों को बहका करके भूपेश बघेल जी बहुत ही गलत कर रहे हैं। तो सुना आपने क्या कुछ उन्होंने कहा है। भूपेश बघेल पर राज परिवार के खिलाफ साजिश का आरोप लगा है। विशेष संवाददाता गौरव शर्मा, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, ये कोई पुराना मामला नहीं, लगातार राज परिवार से जुड़ा हुआ कई मामला इसके पहले भी सामने आया है, संपत्ति को लेकर भी विवाद छिड़ता रहा, लेकिन अब ये अनोखा मामला भूपेश बघेल के खिलाफ आरोप। पूर्व विधायक देवव्रत सिंह की दोनों पत्नियों के बीच में लगातार द्वंद का जो क्रम है वो विधानसभा चुनाव के समय भी देखने मिला था, जब पद्मा सिंह और विभा सिंह आमने सामने हुए थे। एक बार फिर से कमोबेश यही स्थिति बनी हुई है। लोकसभा चुनाव में राजनांदगांव से भूपेश बघेल कांग्रेस के टिकट पर मैदान में, और विभा सिंह ने वीडियो जारी करके भूपेश बघेल को वोट नहीं देने और राजनांदगांव के भविष्य को देखते हुए वोट देने की अपील की है, और गंभीर आरोप भी लगाए। खैरागढ़ राज परिवार के खिलाफ साजिश करने का आरोप उन्होंने भूपेश बघेल पर लगाया है। पद्मा सिंह के साथ मिलकर इस तरह की साजिशों को अंजाम देने का, राज परिवार पर पत्थर फेंकवाने का, तो तमाम तरह का जो आरोप है वो विभा सिंह ने लगाया। और उन्होंने अपील भी की है कि राजनांदगांव की जनता जो है वो अब अपने भविष्य को देखकर वोट दे, भूपेश बघेल के खिलाफ वोट दे, इस तरह की उन्होंने अपील की है। निश्चित रूप से कितना इसका असर होता है ये तो चुनाव के समय पता चलेगा, मतदान में पता चलेगा, लेकिन इससे कहीं ना कहीं एक बार फिर से सियासी हलचल जरूर तेज हुई है। कांग्रेस इसे भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर किया गया साजिश बता रही है। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का कहना है कि भाजपा के इशारे पर भी उन्होंने एक वीडियो जारी किया है, लगातार कांग्रेस को डेंट करने की जो कोशिश है वो की जा रही है, और ये इसी का एक क्रम है। जी गौरव, क्या कोई प्रतिक्रिया सामने आई, कांग्रेस कुछ कह रही है या भूपेश बघेल कुछ कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर? निश्चित रूप से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज की प्रतिक्रिया सामने आई है, उन्होंने इसे भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर किया गया साजिश बताया है। दीपक बैज का कहना है कि कभी भी कोई वीडियो जारी करता है या पत्र जारी करता है, भाजपा लगातार बौखलाई हुई है और इस वजह से कांग्रेस के नेताओं को या उनके परिजनों को आगे करके इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रही है। देवव्रत सिंह की पत्नी भी जो सामने आई है वो इसी तरह की साजिश का हिस्सा है, यही वजह है कि उन्होंने सीधे तौर पर भूपेश बघेल को वोट नहीं देने की अपील की है, तो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर की गई अपील है, ये दीपक बैज कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो बिल्कुल, अब क्या कुछ होगा इस पूरे मामले को लेकर देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव बातचीत करने के लिए, जानकारी के लिए। तो अनोखा मामला सामने आया, जब भूपेश बघेल के खिलाफ वोट देने की अपील ना करते हुए इस तरह से आरोप लगाया गया कि साजिश रची गई है। देवव्रत सिंह की पहली पत्नी पद्मा सिंह पर भी निशाना साधा।